इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कल ली गई थी यूजीसी नेट की परीक्षा, ये साल में दो बार होती है और इस बार इस जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया गया है। इसका अनाउंसमेंट पीआईबी में अभी करा गया है और कहा गया है कि परीक्षा की पवित्रता भंग होने का शक है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिले थे जिसके कारण ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजीसी को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से कुछ इनपुट मिले थे। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही थी, यानी कि जो नीट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है वही एजेंसी इस परीक्षा को भी कराती थी, जिसके पेपर लीक होने का इस ऐसी आशंका जताई जा रही है, शक जताया गया है और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से यूजीसी को इनपुट मिले थे। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और वो भी उस समय आ रही है जिस समय नीट को लेकर ऑलरेडी बहुत हंगामा मचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए नीट को लेकर हंगामा मचा हुआ और शायद ये वजह भी है कि जैसे ही होम मिनिस्ट्री के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये सूचना मिली कि पेपर लीक की सूचना मिली है, जो जिस प्रेस रिलीज की आपने जिक्र किया अंकित, उसमें ये साफ लिखा हुआ है, उसके वर्डिंग से ये साफ हो जाता है कि पेपर लीक की घटना एक बार फिर हुई है और उसकी सूचना मिलते ही कल ही ये दो शिफ्ट में एग्जाम एक दिन पहले ही कंडक्ट किया गया था। जो लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी पाने के लिए ये एग्जाम होता है साल में दो बार जैसा बताया आपने, तो सूचना मिलते ही शिक्षा मंत्रालय हरकत में आया है। और एक चीज और बता दूं, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नीट के मामले में पहले ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, उसमें मामला कोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए, कोई भी जोखिम नहीं उठाते हुए और पहले से ही हम कह सकते हैं प्रिकॉशनरी स्टेप लेते हुए सीबीआई को पूरा मामला सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी खबर ये भी है कि एग्जाम तो कैंसिल कर ही दिया गया है, दोबारा एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। इसके पहले की बात और आगे बढ़े, खुद शिक्षा मंत्रालय ने ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो ऐसा कम होता है कि पेपर लीक की जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी जाए, लेकिन नीट में जो धांधली और अनियमितताएं की खबर आई और जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो इस पर पहले ही हरकत में आ गया शिक्षा मंत्रालय और इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गृह मंत्रालय के कुछ इनपुट थे, उसके बाद ये जो एग्जाम है इसको कैंसिल कर दिया गया है और सीबीआई को जांच जो है सौंप दी गई है। एक और बड़ा ये एक पेपर होता है जिसमें जो एनटीए कराता है और इसके ऊपर भी अब संशय जो है वो उसके बादल मंडरा रहे हैं, साथ ही साथ पेपर लीक का एक और मामला सामने आता दिखाई पड़ रहा है।